सारा खाना मैं बहुत बड़ा फूडी हूं तो मिष्टी दही और दिवाकर हेलो एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेल इट्स माय बर्थडे टुडे सो यू गाइस कैन विश मी

हमने ये फिल्म बनाई है और आ, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सबको बहुत बहुत ये फिल्म बहुत अच्छी लगी कोलकाता से जुड़ी सबसे पहली मेमोरी आपकी क्या है और कोलकाता कौन सा खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है आ, बहुत सारा खाना मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ तो मिष्टी दही और दिवाकर और मैं पहले आ, कुछ फिल्म शूट होने से छः महीने पहले एक बार गए थे कैलकाटा में और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही uh, कलकत्ता से जुड़ी हुई तो उसमें एक फूड बहुत ही अहम हिस्सा था तो वो जो सिक्स कोर्स मील होते हैं जिसमें आप जंप नहीं कर सकते सीधे मील <laughs> पे तो वो सारी चीज़ें मैंने खाई एंड मिश्री दही एंड ऑल द मिठाईज एंड ऑल द माच भात एंड एवरी थिंग और कोलकाता से जुड़ी सबसे पहली मेमोरी आपकी मेरी पहली मेमोरी आई वु बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं पहले कभी कैलकाटा से ज़्यादा जुड़ा नहीं इस फिल्म के पहले लेकिन हमने बहुत मेहनत की इस फिल्म के रिसर्च के दौरान जब मैं और दिबाकर और पूरी टीम हम कैलकटा गए थे और काफ़ी मेहनत की और दिबाकर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और बहुत ही बारी बताई और आई स्टे देयर फॉर लाइक क्वार अ फ्यू डेज और uh, मैंने अपना होमवर्क किया एंड

तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मुझे अपने डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा कैन वी कैन वी प्लीज हैव है दिबाका बैनर्जी ऑन स्टेज प्लीज हाँ हा। क्वेश्चन प्लीज फिल्म में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बिना क्या डिटेक्टिव exactly, क्या नहीं, <coughs> नहीं जी सकता आ, जहां पे अपराध नहीं होगा वहां पे डिटेक्टिव की रोजी रोटी नहीं चलेगी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कलकत्ता में क्या हुआ <coughs> में क्राइम का नेचर बदल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टेज पे आ गया था बर्मा से जापान इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था एयर रेड्स हो रहे थे बम गिर रहे थे शहर में साथ ही साथ शहर में जापानी पाइज का एक रिंग फैल रहा था अंग्रेज लोग और इंडियन जो अंग्रेजों के साथ थे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे साथ ही साथ हमारी जो आजादी की लड़ाई चल रही थी वो भी आग पकड़ रही थी और इसी में कलकत्ता क्योंकि एक पोर्ट सिटी था द नेचर ऑफ क्राइम स्टार्टड चेंजिंग द डॉक्स द डॉकर्ट गैंग्स द नारकोटिक गैंग्स द अंडरवर्ल्ड इट स्टार्ट इवॉल्विंग अ न्यू काइंड ऑफ क्राइम एंड इस कहानी में हम बोमकेश को देखते हैं कि कलकत्ता जो इतिहास की कगार पे खड़ा हुआ है और चेंज हो रहा है और इंडिया जो चेंज हो रहा है और जो क्राइम का नेचर चेंज हो रहा है उसमें एक नौजवान डिटेक्टिव अपना पहला केस सॉल्व कर रहा है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता का नेचर चेंज हुआ कलकत्ता का शहर चेंज हुआ कलकत्ता की इकोनमी चेंज हुई कलकत्ता का क्राइम चेंज हुआ और एक नए तरह का डिटेक्टिव आया जिसका नाम था भोमकेश बख्शी इसलिए इसका जोड़ है